नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे कई पेशेंट्स डिमांड करते हैं जो मेरे पास IVF कराने के लिए आते हैं कि मैडम हमें लड़का वाला ही कीड़ा दीजिएगा या फिर हमें लड़की वाला ही दीजिएगा, क्योंकि IVF में तो हमने सुना है कि लड़का या लड़की सेलेक्ट हो जाता है, आप जो चाहें वही दे सकती हैं। तो आज मैं आपको लड़का या फिर लड़की सेलेक्ट करने का जो साइंटिफिक बेसिस है वो बताऊंगी। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, कटिहार मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और मिलेनियम IVF में कंसल्टेंट। मैं गायनाकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट हूँ। इंटरनेट पे तमाम तरह की ऐसी जानकारियां हैं कि IVF में जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, स्पर्म को तेज़ी से घुमाते हैं तो लड़का सेलेक्ट हो जाता है, या फिर जो तेज़ी से स्पर्म भागता है उसमें लड़की सेलेक्ट होता है या लड़का सेलेक्ट होता है, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम में या पर्टिकुलर दिन डाला जाए तो लड़का सेलेक्ट होता है, जिसको वो लोग मेंसेस के डेट से कैलकुलेट करते हैं। इनफैक्ट मेरे काफ़ी रिश्तेदार मुझसे पूछते हैं कि उसको तो लड़का हुआ है तो उसने तो लड़का ही सेलेक्ट किया होगा, या उसको लड़की हुआ है उसने लड़की सेलेक्ट किया होगा, क्योंकि IVF में तो ये सिलेक्शन हो जाता है। तो आज मैं एक क्लियरली बता देती हूँ कि IVF में हम एम्ब्रियोस को देख के लड़का या लड़की नहीं पता लगा सकते। सिर्फ एक ही साइंटिफिक मेथड है जिसकी वजह से हम लड़का या लड़की सेलेक्ट करते हैं, तो ये टेक्निक है PGD, मतलब प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। तो इसमें क्या होता है और कैसे करते हैं आज जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो लड़का या लड़की सेलेक्ट करने का जो साइंटिफिक बेसिस है वो सिर्फ क्रोमोसोमल एनालिसिस, मतलब उसमें XX क्रोमोसोम है या XY क्रोमोसोम है, ये उसका जेनेटिक स्टडी किया जाता है तभी पता चलता है। तो बेसिकली IVF में हम महिला को कुछ इंजेक्शन देते हैं ताकि उसके एक से ज़्यादा अंडे बने। तो मान लीजिए 5 या 6 अंडे बन गए हैं, उसको पुरुष के शुक्राणुओं के साथ मिक्स करके हम इंक्यूबेटर में डाल देते हैं। इंक्यूबेटर में डालने के बाद जब दोनों मिल के भ्रूण तैयार करते हैं, मतलब एम्ब्रियो बनाते हैं, उसके बाद 4 से 5 अगर एम्ब्रियो तैयार हो गए तो उस एम्ब्रियो में से कुछ एम्ब्रियो लड़के के होंगे और कुछ लड़की के होंगे। लेकिन जब आप एम्ब्रियोज़ को ऐसे ही देखेंगे तो आपको वो बिल्कुल भी पता नहीं लग सकता कि ये लड़का वाला एम्ब्रियो है या फिर लड़की वाला एम्ब्रियो है, क्योंकि लड़का या लड़की X या Y क्रोमोसोम से डिसाइड होता है। आपने सुना होगा, अगर कुछ साइंस के स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो ज़्यादा इस बात को समझ पाएंगे। लड़कों में 46 XY क्रोमोसोम होता है और लड़कियों में 46 XX क्रोमोसोम होता है, और ये X क्रोमोसोम जेनेटिक जो जीन या क्रोमोसोम है उसमें अटैच होता है। ग्रॉसली आँख से देखने पर आपको बिल्कुल पता नहीं लग सकता कि ये लड़का का एम्ब्रियो है या फिर लड़की का एम्ब्रियो है, और हम वही एम्ब्रियो उठा के डालते हैं। हमें उस वक्त बिल्कुल पता नहीं होता है कि हम लड़का डाल रहे हैं या फिर लड़की डाल रहे हैं। हाँ, कुछ कंडीशंस में एम्ब्रियो को, जब वो एम्ब्रियो डिवाइड हो जाता है उसके बाद 8 सेल स्टेज का बन जाता है 2 से 3 दिन में, तब हम एम्ब्रियो का एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब उसका एक सेल लेते हैं, उसको लैब में भेजते हैं जो कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस करती है। इंडिया में कुछ ही ऐसे लैब्स हैं या फिर कुछ लैब्स उस सैंपल को स्पेन या दूसरे कंट्रीज में भेजती हैं जहां पर ये टेक्निक अवेलेबल है, मतलब प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस का टेक्निक उनके पास अवेलेबल है। वो लोग उसका जेनेटिक और क्रोमोसोमल स्टडी करके हमें बताती है कि ये पर्टिकुलर एम्ब्रियो जो आपने भेजा था वो लड़के वाला है या फिर लड़की वाला है, तब उस एम्ब्रियो को अंदर डाला जाता है। तो नॉर्मल तौर पे हम सेलेक्ट नहीं करते। और दूसरी बात, ये जो मिथ कुछ चले आ रहे हैं पुराने ज़माने से कि अल्कलाइन बना दो एनवायरनमेंट को या एसिडिक बना दो, या फिर IVF सेंटर वाले कुछ स्पेशल तरह की दवा डाल देते हैं जिससे ये सेलेक्ट होता है, लड़का सेलेक्ट होता है, तो प्लीज़ आप इस तरह के ट्रैप में मत फंसिए। साइंटिफिक बेसिस PGD ही है, मतलब प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस ही है, जो कि हमें लड़का लड़की सेलेक्ट करने के लिए नहीं करना होता है। सिर्फ कुछ खास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो कि कभी कभी लड़कों में ही प्रेवलेंट होता है या लड़कियों में ही प्रेवलेंट होता है, जैसे सिकल सेल डिजीज़ हो गया या सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, मार्फन्स डिजीज़, या फिर कोई और तरह का प्रॉब्लम जो कि लीथल होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज जैसी प्रॉब्लम जो कि अगर बच्चे में हो तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। सिर्फ हम उसी को जानने के लिए ही PGD का इस्तेमाल करते हैं, ना कि लड़का या लड़की। और ये इंडिया में एक लीगल ऑफेंस भी है। अगर कोई सेंटर या कोई आदमी आपसे कहता है तो प्लीज़ इस तरह के ट्रैप में आप मत आइएगा, आपके पैसे भी चले जाएंगे और कोई रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा।
और मैं आपसे लास्टली ये कहना चाहती हूँ कि लड़का या लड़की में आजकल के ज़माने में कोई भी अंतर नहीं है। आप एक हेल्दी बच्चे के बारे में सोचिए, एक एक हेल्दी बच्चा आपको भगवान दे, इसकी कामना कीजिए। और भगवान आपके लिए जो भी सेलेक्ट करेगा, लड़का चाहे लड़की, वो आपके लिए बेस्ट ही होगा। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी इसी तरह की फ़ीमेल हेल्थ से रिलेटेड किसी और जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।